हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट इमली की चटनी। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम इमली लिया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक प्रोसीजर बता रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने एकदम गर्म पानी, बॉयल्ड पानी इसमें ऐड किया है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख दिया है। अब 15 से 20 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हमें अच्छे से मैश करना है और इसमें से सारी गुठलियाँ हमें निकाल देनी है, और यानी पल्प हमें रखना है इसमें। इस तरीके से हम सारी गुठलियाँ इसमें से निकाल देंगे और ये 15-20 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और आराम से गुठलियाँ इसमें से निकल जाती हैं। फ्रेंड्स, इमली बहुत अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी आंखों की जो हेल्थ है यानी आई साइट या और भी जो आंखों की प्रॉब्लम होती है उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम सारी गुठलियाँ निकाल देंगे, अब हम एक छलनी की मदद से और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इस तरीके से इसमें से सारा कस यानी इमली का सारा रस हम निकाल लेंगे गुद्दे में से, और जो पानी पानी है वो हम इसको एक पैन में जिसमें हमें इमली बनानी है चटनी उसमें हम डाल लेंगे। इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मैश करके सारा रस इसका निकाल देंगे, और ज़रूरत लगे तो थोड़ा और पानी इसमें डाल के ऐसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। वैसे हम रात को इसको भिगो के फिर बनाते हैं, लेकिन अगर हमें तुरंत चटनी बनानी है तो इस तरीके से हम इसको 15 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारा पल्प इसका अच्छे से रस इसमें से निकाल लिया है पल्प में से, और जो गुद्दा है वो हम हटा देंगे। फ्रेंड्स, इमली बहुत अच्छी होती है। वैसे तो इमली अफ्रीका में बहुत उगाई जाती है, लेकिन इंडिया में भी यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में भी इसको हम उगाते हैं। इमली की चटनी जो है वो सिर्फ हमें खाने में ही टेस्ट नहीं देती है, बल्कि हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में बहुत मददगार होती है। फ्रेंड्स, क्योंकि इमली जो है हम उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर बहुत सारी है, हम इसको मेडिसन्स में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इमली के अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। देसी दवाइयों में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए अभी हमारा सारा रस निकल गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, तो टोटल कुल इसमें मैंने 1.5 मग पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर एक चम्मच मैंने सौंफ डाला है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, 1/4 या आधा टीस्पून, थोड़ा सा काला नमक जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाए, और भुना हुआ जीरे को पीस के पाउडर बना के वो आधी चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। आप सारे मसाले कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हम मीठा डालेंगे, तो करीबन मैंने 5 चम्मच के करीब इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने अकॉर्डिंग कितनी इमली ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग यानी एडजस्ट इसको कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको फुल गैस के ऊपर हमें इस तरीके से चम्मच से हिलाते रहना है, चलाते रहना है, जब तक हमारा इमली गाढ़ा ना होने लग जाए, चटनी हमारी गाढ़ी ना होने लग जाए। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि इमली बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हमें हेल्प करता है, तो जैसे हार्ट डिजीजेज हैं, कैंसर है, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। इमली के अंदर बहुत सारी विटामिन्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है, विटामिन सी, के, B1, B2 यानी जितने भी बी विटामिन बी की टाइप्स हैं वो सारी इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर भी होता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स, इमली ना सिर्फ हमें बहुत अच्छा स्वाद देती है बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ आपको मैं एक और अच्छी बात बताऊँ कि इमली हमारा वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो इमली टेस्टी भी और हेल्थ बेनिफिशियल भी है। अभी फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इमली गाढ़ी हो गई है चटनी। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। जब भी आपको इसे तुरंत बनाना है, आप इसे इस तरीके से बना के सर्व कर सकते हैं और अपने किसी भी स्नैक के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये इमली की चटनी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और किस किस को इमली पसंद है कच्ची खाना भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।